हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे नीट 2020 पोस्टपोन्ड हुआ तो क्या नीट 2021 भी पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो मैं आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि नीट 2021 के पोस्टपोन्ड होने का क्या चांसेज हैं या भी नहीं हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले मैं कुछ आपको चीज़ें बताने वाला हूँ और कुछ सिनेरियो आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या सिनेरियो चल रहा है और क्या क्या था पहले। तो देखिए, जो नीट 2020 का एग्ज़ाम था पहले मई में होने वाला था, फिर उसको जुलाई में पोस्टपोन किया गया, फिर उसको सितंबर में पोस्टपोन किया गया। और सितंबर में आपने देखा कि डेली 1 लाख के करीब केसेज आने लगे थे, तब पर भी एग्ज़ाम ले लिया गया। ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो फर्दर पोस्टपोन नहीं किया गया। और बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रहे थे कि नीट को पोस्टपोन किया जाए, बहुत लोगों ने बोला कि नीट पोस्टपोन किया जाए, बहुत स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था, बहुत सारे पेरेंट्स का रिक्वेस्ट था, बहुत सारे PIL भी फाइल किए गए कि नीट 2020 को फर्दर पोस्टपोन किया जाए दिसंबर या नवंबर में। लेकिन आपने देखा जो गवर्नमेंट अपना डिसीजन था गवर्नमेंट का उस पर स्टिक रही और उन्होंने सही तरीके से सितंबर में एग्ज़ाम लिया, JEE मेंस और नीट दोनों का। और जैसा कि आपने देखा SOP भी जो है काफ़ी हद तक फॉलो हुआ, सभी चीज़ में होती है, लेकिन ज़्यादातर SOP जो है वो फॉलो हुए थे और एग्ज़ाम जो है वो सही तरीके से कंडक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि नीट 2021 का क्या होने वाला है। देखिए, नीट 2021 जो है क्या होने वाला है मई में। ठीक है, और आपको पता है कि COVID-19 का जो सिचुएशन है अभी भले ही बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वैक्सीन्स हैं वो दिसंबर या जनवरी में आने वाले हैं। ठीक है, जब वैक्सीन दिसंबर या जनवरी में आ जाएंगे तो मई तक काफ़ी हद तक पूरे कंट्री में जो है वो सर्कुलेट कर दिया जाएगा और बहुत लोगों को दे दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हो कि जब ऐसे कंडीशन में जो नीट 2020 था वो ले लिया जा सकता है, तो क्या नीट 2021 क्यों नहीं लेंगे वो गवर्नमेंट। तो यह आपको एकदम ध्यान बना लेना है कि नीट 2021 जो है वो पोस्टपोन नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नीट 2021 पोस्टपोन होगा तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। ये नीट 2021 जो है वो पोस्टपोन नहीं होने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं कि आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि जो स्कूल है वो मार्च से ही बंद है, यानी कि 11th का पढ़ाई, तो अगर बात करें तो 11th का पढ़ाई तो हो गया। ठीक है, बट 12th के जो बच्चे थे उनका अभी तक क्लास नहीं चालू हुआ था, वो ऑनलाइन क्लास चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन क्लास से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑनलाइन क्लास सिर्फ चल रहा था, तो क्या जो अगर ये जो एग्ज़ाम ले लिया जाता है जो डेट है उस पे, तो क्या ये अनफेयर नहीं होगा स्टूडेंट के लिए कि उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, उनको पढ़ाया नहीं गया और एग्ज़ाम ले लिया गया। तो देखिए, इसके लिए CBSE पहले ही जो है वो अपना सिलेबस रिड्यूस कर चुकी है 30% से। तो अब बात है कि NTA करती है कि नहीं करती है। मेरे ख्याल से जो उनका जो डिसीजन होगा वो जो होगा सिलेबस रिड्यूस करने का ही होगा, और सिलेबस पूरे 11th एंड 12th के रिड्यूस नहीं किए जाएंगे। मेरे ख्याल से क्या होगा कि 11th का सिलेबस जो है वो आपको पूरा का पूरा रहने दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है 11th का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका था लॉकडाउन लगने से पहले, यानी कि जब स्कूल बंद हुआ था उससे पहले 11th कंप्लीट हो चुका था। आपका बात रहा 12th का, तो 12th में क्या होगा कि कुछ पोर्शन जो है वो हटा दिया जाएगा, और अब कुछ दिनों में स्कूल खुलने वाला है, तो इसके बाद जो पोर्शन बचे हैं उनका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सिलेबस का भी है वो भी लफड़ा ख़त्म हो जाएगा, वो भी NTA रिड्यूस करके अपना ये कह सकती है कि हाँ, उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया, तो टाइम कम था तो उससे सिलेबस रिड्यूस करके वो मैनेज कर दिया जा सकता है। तो आपको तो एकदम ध्यान रखना है कि नीट 2021 जो है वो किसी भी हालत में पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, तो बस मुझे यही बताना था आपको कि आपको कोई भी इतना होप नहीं रखना है कि नीट 2021 पोस्टपोन होने वाला है। नीट 2021 जो है वो डेट है, यानी कि फर्स्ट संडे ऑफ मे, यानी कि मे के फर्स्ट संडे को जो एग्ज़ाम होता है हर एक साल नीट का, वो उसी दिन होगा और आगे पोस्टपोन नहीं होगा। तो बस मुझे यही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।